बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं हूं एंड फ्यूचर में भी कोई प्लान्स नहीं है। वीडियो देख के मेरे को बहुत सारे मैसेजेस वैसे ही आने लगते हैं, तो यस आई एम नॉट प्रेग्नेंट एंड कोई प्लान नहीं है आगे, बट दिस इज ओनली फॉर प्रैंक। हेलो गाइस, सो फैनी वेलकम बैक टू माय चैनल द जीजे गर्ल। एंड आज है संडे, तो हैप्पी संडे फर्स्ट ऑफली। तो और देखो, मैं आज रेडी हुई थी शूट करने के लिए, बाल बाल कर्ल कर लिए थे, मैंने थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया था। आज भी नहीं करती, आजकल मैं मेकअप नहीं करती, वो मैंने ना आप लोगों को अपने लास्ट स्किन केयर वीडियो में देखो बताई दिया था। तो फिर मेरे पास, जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि मैं टी शर्ट्स का भी काम करती हूँ, प्रिंटिंग टी शर्ट्स जो इस टाइप की होती है वो मैं सेल करती हूँ एंड कंपनीज के भी ऑर्डर्स वगैरह, मतलब मेरा ये काम है। तो दो दिन पहले मेरी कुछ 40 टी शर्ट्स का ऑर्डर चला गया था, 30 एक कंपनी के लिए थी और 10 किसी और के लिए, तो वो चला गया था। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज दोबारा से मेरे पास ऑर्डर है 50 टी शर्ट्स का एंड मैं उसका काम कर रही थी। लोगो वगैरह का मुझे कुछ डिज़ाइन करना होता है और डिसाइड और डिज़ाइन को मैंने साथ में कर दिया, तो यस मुझे वो सब सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैंने सोचा चलो पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊंगी, बट फिर उसमें 2 घंटे आराम से निकल गए और मेरे पास और भी काम है और आज संडे है तो मुझे कुछ और चीज़ों के लिए बाहर भी जाना है। तो मैंने सोचा चलो यार गेटअप अब रेडी किया है और प्रोडक्टिव डे है, क्योंकि कल ना मैं अपना एक भी दिन शूट करना छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे कुछ काम होता है बच्चों के रिलेटेड या मिकी के या मेरे रिलेटेड, तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, अदरवाइज मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एवरीडे वीडियो करूँ। तो सो बेसिकली 3 दिन पहले ना मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी, उसमें मेरी पुरानी फाइल्स थी मेरी फर्स्ट डिलीवरी की, सेकंड डिलीवरी की, तो मैं उसको ऐसे ही सारा कुछ चेक कर रही थी और साइड में रख रही थी। तो देन आई मेरे को एक चीज मिली, रुको मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, वेट। सो वो चीज़ है ये, यू कैन सी, ये एक्चुअली मैं अभी की नहीं है, ये मेरी पुरानी प्रेगनेंसी जब आई गेस फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हुई थी रुद्र की, तो वो हमेशा स्पेशल होती है आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो आई हैव एवरीथिंग रुद्र के टाइम का, एवरीथिंग सेकंड प्रेगनेंसी का मेरे पास नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मदर्स होगी वो अंडरस्टैंड करती होगी, लेकिन ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का है रुद्र के टाइम का। तो मैंने सोचा कि यार इसका अब मैं फेंकने वाली तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इसको सिक्योर करके रख दूंगी। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये सेंटिमेंटल्स अलग है। तो मैंने इसको और रुद्र के कपड़ों को और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको सिक्योर किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मिकी पे प्रैंक करूँ कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ एंड उसका रिएक्शन नोट करे। तो देखो वैसे तो अगर मैं जाऊँगी और ऐसे दिखा दूंगी ना तो उसको बिलीव नहीं होगा, बिकॉज 2 बच्चों के बाद ऑब्वियसली वी आर हियर विद बिग नो कि तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, बिकॉज हम दो, हमारे दो इस ओके एंड फ्यूचर है हमारा भी उनका भी, तो एवरीथिंग इज देयर। सो 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं मिकी को प्रैंक करने वाली हूँ कि मैं 3rd time प्रेग्नेंट हूँ एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू और मेरे को उसको बॉर्न करना है एंड एवरीथिंग लाइक सॉर्टेड। तो मैंने उसको कल ऐसा बोला था कि मैं तुम्हें, क्योंकि कल मिकी भी बहुत बिजी था पूरे दिन भी एंड थ्रू आउट रात को भी वो बाहर गए थे, तो 4-5 बजे ही आए थे। तो अभी मैंने सोचा है कि आज भी मिकी काम से बाहर है, हमारा कहीं प्लान था लेकिन फिर वो अभी आने वाले हैं शाम को, तो मैं उनको शाम को ये वाला सरप्राइज़ दूंगी। लेकिन सरप्राइज़ कैसे दूंगी मैं ना, इसको क्या करूंगी, पैकिंग वैकिंग अच्छे से कर लूंगी एंड मेरे पास रुद्र के पुराने कपड़े है या सॉक्स वगैरह है, तो वो भी एक्चुअली मैं मुझे परसों ही मिला था, तो मैं वो सब पैकिंग करूंगी। एक बॉक्स मेरे पास है जो कि मैं वैलेंटाइन गिफ्ट के लिए लाई थी मिकी के लिए, बट मैंने हम दोनों ऑब्वियसली वैलेंटाइन को सेलिब्रेट नहीं करते, तो पड़ा हुआ था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। सो ये रहा वो बॉक्स, मेरे को हमेशा लगता था कि ये किस काम का है, तो ये यही काम का है। तो ये बॉक्स में मैं अच्छे से ना इसको अच्छे से इसमें पैक कर दूंगी और फिर 1-2 चीज़ें और रख दूंगी और फिर मैं मिकी को ये देने वाली हूँ एंड फिर उसका रिएक्शन नोट करेंगे। पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको अच्छे से पैक अभी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर मिकी आ जाएंगे तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी इसको पैक कर लेती हूँ। हाँ, इसमें किसी के कोई सेंटिमेंटल हर्ट नहीं होने वाले, पहले तो मैं ये बता दूँ, बिकॉज मैं और मिकी ऑलरेडी मॉम एंड डैड है, तो आई होप आई यू ऑल अंडरस्टैंड। एंड रही मेरी फैमिली की बात, तो दे ऑल्सो डोंट माइंड बिकॉज दे नो मी एंड मिकी ऑल्सो। तो यस, ये ऐसा फिर मत लिखना यार कि हर्ट होता है वगैरह, कुछ नहीं होता है ऐसा, तो बस ट्राई करते हैं। और पहले तो मैं इसको अच्छे से पैक करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पैक करती हूँ और फिर हम मिकी के आने का वेट करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास ये वाला, ये रुद्र का है मेरे पहले बीबी का, तो बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं जो हमने ऐसे ही रख दी थी एंड यही अब आई हैव कैप जो मैंने इसी के साथ उसको स्टाइल की थी जब वो छोटा था। एंड ये रहा बॉक्स, तो अब मैं जल्दी से इसको पैक कर देती हूँ। ये ऑलरेडी ये रही, उसको मैं इसमें छुपा दूँगी या कुछ तो कर दूँगी, तो पहले मैं इसको पैक कर देती हूँ और रख देती हूँ इसमें। मैंने कुछ ऐसे पैक किया है और पहले ना मैंने इसको बाहर रखा था, बट फिर मैंने अंदर डाल दिया ताकि थोड़ा खोलेंगे तो वो सरप्राइज़ वाला थोड़ा सा फील आएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी या सेकंड में भी ऐसा कुछ नहीं किया था, बिकॉज बोथ प्रेगनेंसी आर वेरी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी एंड
थोड़े महीने के लिए तो कोई हैप्पीनेस नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम येस आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड दैट आई एम बिकमिंग मदर, बट फर्स्ट टाइम में इतना प्रॉब्लमेटिक था दैट मुझे सीरियसली मैं कोई समझ नहीं आ रहा था, और मैंने कोई सरप्राइज नहीं, कुछ भी नहीं था हमारे बीच में. तो दिस टाइम मुझे नहीं पता उसका रिएक्शन क्या होगा, या उसको भरोसा आएगा भी, बिकॉज ही नो मी वेरी वेल. तो ही, मैंने कभी पहले ना ऐसा वाला कोई प्रैंक नहीं किया, आई नेवर ट्राई, एंड आई नो दैट ही डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ प्रैंक एट ऑल. तो वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऑन कैमरा तो गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा शायद थोड़ा बहुत कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये भी सह सकती हूँ. तो कुछ नया ट्राई किया है, तो अब हम वेट करते हैं कि कब की आते हैं, और मैं इस वाले प्रैंक को इससे कनेक्टेड कर देती हूँ. तो बस मैं भी वेट करती हूँ, और आप लोगों की वेट करना. 2000 years later. सो हेलो गाइस, सो आज मैंने आगे सारा कुछ बता दिया था, तो आज हम देने वाले हैं मिकी को कोई सरप्राइज. एंड सो हेलो गाइस, सो मैंने सारा कुछ इंट्रो पहले ही दे दिया था, और मैंने मिकी को भी बोला था कि मैं उसको कोई सरप्राइज देने वाली हूँ. तो आज हमारे साथ है मिकी, जो कि मेरे वीडियो में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आज हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं. तो आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? ओके, सीधे बैठो पहले. हाँ, थोड़ा सा ऐसे ही बैठो. तो देखो, आओगे ऐसे मेरी तरह तन के बैठना है बस. तो पहले आंखें बंद करो. कर ली. आंखें तो बंद करो. कुत्ते, आंखें बंद करना. ओके, हाथ आगे बढ़ाओ. अब आंखें खोलो. पहले ही खोल दी मैंने. और इसको मेरे लिए गिफ्ट वैलेंटाइन तो चला गया. अब गिफ्ट कर नहीं, वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं है. एक बार चेक करके क्या है. ओपन तो करो पहले. रेडी स्टेडी गो. ये किसका है पहले उसमें भी बताओ. कैमरा में मैं व्लॉग बना रही हूँ. वैसे क्या है? रेडी स्टेडी गो. ये सब इसको धीरे धीरे खोलो. ये क्या है यार? इसमें छोटे बच्चे के कपड़े हैं. किसी किसके छोटे बच्चे के कपड़े हैं? ये तो रुद्र का है. हाँ. और ये आई थिंक युवराज का शायद. उसमें और भी नहीं, ये भी रुद्र का है. उसमें और भी कुछ हो सकता है. हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती. ओदा मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਹੈ ਕਿਟ. ਹਾਂ ਕਿਟ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸਮੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ. 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਸਮੇ ਦੋ ਲਾਈਨ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੇ ਖਟਟਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ. ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਮ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਪਾਪਾ ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ. ਵਾਹ, ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ. कैमरामैन कर देती हूँ. करो इसको बंद करो. लो बंद हो गया. क्या है? मैंने थोड़ी किया है. अरे दो बच्चे हैं, इतने खर्चे हैं, इतनी रिस्पांसिबिलिटीज हैं, और थोड़ी ना क्या है ये. मैंने थोड़ी किया है. ये तो भगवान की देन है ना. भगवान की देन नहीं है ये. तो किसकी देन है? ये अपनी ही देन है, हमारी ही देन है ये. तो अब क्या करेंगे? अब तो ये है, तो मेरे को तो बहुत है. तो हम तो करेंगे आगे. ये नहीं करेंगे हम आगे. हाँ, हम करेंगे. नहीं, ये नहीं करेंगे हम आगे. दो ऑलरेडी संभाल रहे हैं, और नहीं करेंगे हम आगे. तो तुम खुश नहीं हो? अरे बात खुशी की नहीं है यार, तुम कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को. मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्यों. अब तो मेरे को प्रैंक वरैंक कर रहे हो, मेरे को भी ये लग रहा है. पकड़ो प्रैंक. मैंने सब बंद कर दिया. प्रैंक कहाँ से करूंगी मैं? तुम्हें रिपोर्ट देखना है तो मैं तुम्हारे. हाँ बिल्कुल देखना है. मैं गई थी उस दिन हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए. वहाँ पे मेरा दोस्त है. तुम तो बोल रहे थे ब्लड टेस्ट है. हाँ, तो वहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, और फिर अल्ट्रासाउंड का जो रिजल्ट था वो मैंने उसमें देखा था. ऑब्वियसली दोनों में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था रिजल्ट आने से पहले. तो ये कोई गलत हो सकता है, ये प्रैंक हो सकता है. ये मैं कहाँ से लाई? ये कैसे पॉजिटिव हो सकता है फिर? तो फिर क्या करेंगे? कुछ सोचा है? हाँ, ये तो तुमने तो दे दिया गिफ्ट, लेकिन करेंगे क्या इसका? इसका क्या, इसको कंटिन्यू करोगे? हम दोनों दोबारा से मम्मी पापा बनेंगे. हैप्पी यार? शॉक में हो? शॉक शॉक शॉक्ड है ना. अब मैंने तो डिसाइड कर लिया. ये
कर दिया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, गो अहेड, क्या टेंशन है, अपना ही तो है। सही में? सही में मैं प्रैंक कर रही थी लेकिन यार मेरे को पता था, पर तुमने ये मेरे को लग रहा था तुम डेफिनेटली कुछ गड़बड़ कर रही हो, अभी भी चालू है तो प्रैंक कर रही थी मैं आपको। तो मेरे को कैसे पता चले, तो उधर से दिख रहा है ये? मैं सोच रही थी ये मेरी पुरानी रुद्र के टाइम की मैंने जो संभाल के रखी थी सारा कुछ वही है, तो हमने कर दिया मिकी पे प्रैंक और मिकी ने आखिर में बोल दिया था कि यस कोई बात नहीं हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरे में वो हिम्मत नहीं है तो हम लोग अब कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऑब्वियसली है ही नहीं तो कंटिन्यू क्या करेंगे, प्रैंक है तो फिर ठीक है। आप सरप्राइज हो गए थे या शॉक हो गए? शॉक। सो यस गाइस, मैंने आज मिकी को कर दिया प्रैंक, और वैसे मेरी और मिकी की एक बात हुई थी कि मैं कभी मिकी को प्रैंक नहीं कर सकती और इससे ज़्यादा रिएक्शन मैं इस आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वाला प्रैंक पसंद आया। लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैंने सबको क्या बना दिया, ब्लॉगर बना दिया है। सबको ये रटन हो गया है कि मेरी चैनल को क्या करना है क्या नहीं करना। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय।